1984 से लेकर आज तक हम जीत रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के भरोसे नहीं जीत रहे हैं, गैर मुस्लिम भाई भी हमारा वोट देता है। हाँ, हम मुसलमान की बात उठाते डंके के चोट पे उठाएंगे, इसलिए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये मुल्क मेरा है, मुझे सेकंड क्लास सिटीजनशिप बनाने की तैयारी हो रही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इस मुल्क के लिए जान दिया और आगे भी देंगे। सरहद पर जितना तुम गोली नहीं खाओ उससे ज़्यादा हम तैयार है, मेरा सीना। लेकिन पाकिस्तान में बिरयानी खाने नवाज शरीफ के मोदी जी जाते हैं, जिन्ना के मज़ार में फातिया पढ़ने अडवानी जाते हैं, अजहर मसूद को टेररिस्ट को भाजपा सरकार छोड़ती है और हमसे सवाल पूछा जाता है। अरे पाकिस्तान से तो आपका रिश्ता है। इनकी चमचागिरी, इनकी दरी मत बिछाइए। इमरान प्रतापगढ़ी की तरह जो जुनैद नसीर को मार दिया गया राजस्थान में, मुंह से बकार नहीं निकला, जो हल्दियानी में मुंह का बकार निकला, बेंगलोर में जाके जश्न कर रहा है। अगर हेना शहाब मोहतरमा या उसामा किसी भी सीट से किशनगंज छोड़ के लड़ना चाहते हैं, MIM उसके लिए दरवाज़ा खुला है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस परिवार के साथ। तस्लीमुद्दीन साहब का असली वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, क्योंकि कभी इसने समझौता नहीं किया। लालू जी ने 2015 में ऑफर दिया, जानता है कि MIM का लोग डरता है तो अपने अल्लाह से डरता है, झुकता है तो अल्लाह के सामने झुकेगा। ना हम 10 जनपद के गुलाम हैं, ना अशोका रोड के गुलाम हैं, ना नागपुर के गुलाम हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और अल्लाह का बंदा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं, एक भी मुसलमान MLC नहीं बनाया इसने, एक भी मुसलमान को इन्हें हिस्सेदारी नहीं दिया, हर जात को दिया लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दिया आबादी के हिसाब से, एक मिनिस्टर नहीं है तेलंगाना में। तरुलीमान का वो कद हो गया है, वो टिकट बांटता है। आज अल्लाह का फजल है, कल तक पटना और दिल्ली में जो लोग सियासी लोग दरबारी करते थे, आज अल्लाह सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, कोचा धमन के बेटे को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि लोग उसके पास टिकट मांगने आते हैं। सिटिंग MP भी टिकट मांगने के लिए मांग रहा है और ex MLA एक्स मिनिस्टर सिटिंग MLA भी टिकट मांग रहा है। दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, गया हो, शेरघाटी हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, सबसे पहले अगर कोई मुसलमान दलित मजलूम के साथ ज्यादती होती तो पहला फ़ोन 94312 अख्तर साहब पे करता है। ये समझता है कि मेरा अपनी आवाज़ है, सबसे पहले अगर आता है तो MIM के दफ्तर, चाहे पटना हो चाहे किशनगंज आता है, या जिला के दफ्तर या ब्लॉक के दफ्तर में आता है, जानता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। कि कांग्रेस और BJP में यही फ़र्क है, एक झटका से मारता है, एक हलाल से मारता है और कोई फ़र्क। एक तो बेचारा सलमान खुर्शीद साहब था, फरक्काबाद से उनकी सीट भी चली गई और उसके राज्यसभा में नहीं, नचनिया गवनिया को राज्यसभा देता है, जो हाँ मैंने राजीव का दिन देखा है, हाँ मैंने सोनिया जी के दरबार में कसीदा पढ़ा, उसको भेज दिए। ये लोग पीठ में खंजर घोपते हैं, BJP खुली दुश्मन है, यही है फ़र्क बस इन दोनों में। एक जैसे उबैदुल्ला आज़मी साहब बहुत बड़े स्कॉलर, इस्लामिक और स्कॉलर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहते हैं, और वामन मिश्राम साहब भी कहते हैं कि कांग्रेस और BJP में यही फ़र्क है, एक झटका से मारता है, एक हलाल से मारता है और कोई फ़र्क नहीं है। बतलाई बाबरी मस्जिद किसके वक्त में शुरू हुआ, गोविंद वल्लभ भाई पंत कौन थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पंडित नेहरू कौन थे, राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था, NRC राजीव गांधी लाए थे। बतलाइए कि एक भी मुसलमान मुद्दे पर कभी कांग्रेस खड़ी हुई, प्रियंका गांधी को कभी देख लिए मुसलमान के मुद्दे में बोले हो, राहुल गांधी कभी बोले हो, बतला दीजिए, दिखा दिया। अभी राज्यसभा गया, सलमान खुर्शीद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, अहमद पटेल साहब, तारिक अनवर साहब, कोई बेचारे अहमद पटेल साहब दुनिया से चले गए, गुलाम नबी आज़ाद गुलाम भाजपा बन गए, तारिक अनवर तो तारिक अनवर रह गए, एक तो बेचारा सलमान खुर्शीद साहब था, फरक्काबाद से उनकी सीट भी चली गई और उसके राज्यसभा में नहीं, नचनिया गवनिया को राज्यसभा देता है, जो हाँ मैंने राजीव का दिन देखा है, हाँ मैंने सोनिया जी के दरबार में कसीदा पढ़ा, उसको भेज दिए। और जो सलमान खुर्शीद जैसा, जो ऑक्सफर्ड का एक इतना बड़ा एलुमिनी ऑक्सफर्ड में, जिसने पढ़ाई की, जिसने पढ़ाया ऑक्सफर्ड को, जितना बड़ा लर्नेड मैन, उसको आप राज्यसभा नहीं भेजते, आप उसी को भेजते हैं जो दरबारी अजय माकन, जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता है, सुरजेवाला जो खुद विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जो राजीव शुक्ला चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उसको आप भेज रहे हैं। और जो बेचारा आपके लिए जान दिया, जिसके बाप दादा ने वफादारी की, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप तो यही करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब जैसे शख्सियत के लिए, जो एक 10 मिनट में आर्टिकल लिख देगा, उसके लिए आपके पास नहीं टाइम है, जो हिंदुस्तानी नहीं पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके लिए वफादारी किया, जो अखिलेश सिंह G23 में आपके खिलाफ चिट्ठी लिखा, उसको आप राज्यसभा दे दिए। अरे बतलाइए ना, मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में राजद जदयू कांग्रेस कब दलितों को दी, राजद ने आज तक एक राज्यसभा दलित को नहीं भेजा है, ना जदयू ने भेजा है आज तक राज्यसभा। अरे भाई आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप दलित की, बतलाइए क्यों नहीं संजय झा किस हिसाब से गया, जो संजय झा वार्ड मेंबर नहीं जीत सकते उसको नीतीश जी भेज देते हैं। अरे भाई सिर्फ चापलूसकार को भेजिएगा, दरबारी को भेजिएगा, कि हक जो आदमी जो हक है जिसको मिलना चाहिए डिजर्विंग कैंडिडेट को भेजिएगा, ठीक है माहौल बदलेगा। MIM एक आवाज़ है जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई, मुसलमानों की, दलितों की, हर मजलूम के साथ है, जिसके साथ भी ज्यादती हुई है MIM उसके साथ खड़े। 1984 से लेकर आज तक हम जीत रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के भरोसे नहीं जीत रहे हैं, गैर मुस्लिम भाई भी हमारा वोट देता है, यही हमारी पहचान है जो हैदराबाद जीत रहे हैं, एक बड़ा तबका हमको वोट देता है। ये तो मीडिया का परसेप्शन है मुस्लिम मुस्लिम, हाँ हम मुसलमान की बात उठाते डंके के चोट पे उठाएंगे, इसलिए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है,
ये मुल्क मेरा है, मुझे सेकंड क्लास सिटीजनशिप बनाने की तैयारी हो रही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इस मुल्क के लिए जान दिया और आगे भी देंगे। सरहद पर जितना तुम गोली नहीं खाओ उससे ज़्यादा हम तैयार है, मेरा सीना। लेकिन पाकिस्तान में बिरयानी खाने नवाज शरीफ क्या मोदी जी जाते हैं, जिन्ना के मज़ार में फातिया पढ़ने अडवाणी जाते हैं, अजहर मसूद को टेररिस्ट को भाजपा सरकार छोड़ती है और हमसे सवाल पूछा जाता है। अरे पाकिस्तान से तो आपका रिश्ता है, यही तो यही बात। तेजस्वी तो जिसने तेजस्वी यादव की वालदा को चीफ मिनिस्टर बनाया, सहाबुद्दीन साहब ने अपनी जान दे दिया, दिल्ली में इंतकाल किए, कोई पूछने नहीं गया। मैं सिवान के मुसलमानों को और राजद के मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं वो आपका कैसे हो सकता है? अरे जो शहाबुद्दीन साहब जिसने हमने जान दे दिया, नीतीश कुमार जी ने 50 बार ऑफर शहाबुद्दीन साहब को भिजवाया था कि आप आ जाइए हम करेंगे, जब मुन्ना शुक्ला सेट हो सकते हैं, सूरज भान जी सेट हो सकते हैं, आनंद सिंह सेट हो सकते हैं। देखिए आनंद सिंह जी ने तुरंत कैसे पलटी मारा, देखिए चेतन आनंद ने कैसे पलटी मारा, देखा ना, देखिए प्रहलाद यादव ने कैसे माना। सबसे ज़्यादा तो वफादार मुसलमान रहा, इनका ए टू जेड था, सब फूस हो गया बेचारा। सबसे ज़्यादा माई में मुसलमान खड़ा है इसके साथ, तब भी इसकी बेवफाई, तब भी इसने मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलता है। अब इससे ज्यादा क्या मुसलमान को समझना चाहिए भाई? आपकी पार्टी से कुछ बातचीत चल रही है क्या साहब से? नहीं, आप लोग गए थे? देखिए हम उसके यहाँ जाएंगे अगर हेना साहब मोहतरमा या उसामा किसी भी सीट से किशनगंज छोड़ के लड़ना चाहते हैं, MIM उसके लिए दरवाज़ा खुला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस परिवार के साथ है, और कोई भी बिहार का मुसलमान मजलूम दलित या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जिसको इज्जत नहीं मिली, आइए लोकसभा लड़ना है लोकसभा लड़िए, विधानसभा लड़ना है विधानसभा लड़िए, अपनी लीडरशिप खड़ा कीजिए। इनकी चमचागिरी, इनकी दरी मत बिछाइए इमरान प्रतापगढ़ी की तरह, जो जुनैद नसीर को मार दिया गया राजस्थान में मुंह से बकार नहीं निकला, जो हल्दियानी में मुंह का बकार नहीं निकला, बेंगलोर में जाके जश्न कर रहा है। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं, एक भी मुसलमान MLC नहीं बनाया इसने, एक भी मुसलमान को इन्हें हिस्सेदारी नहीं दिया, हर जात को दिया लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दिया आबादी के हिसाब से, एक मिनिस्टर नहीं है तेलंगाना में। राज्यसभा भी रेणुका चौधरी और अनिल यादव जाता है, मुसलमान नहीं जाता है तेलंगाना से। अरे मुसलमानों की हिस्सेदारी, मुसलमान जान दे के वोट दे, सिर्फ वोट देने के लिए मुसलमान। अरे राहुल गांधी इसीलिए तो ये बद से बदतर हो रहा है, आप बेवफाई किए तो ऊपर वाले का। तेजस्वी को देख लिया, 3 MLA मेरा 4 MLA तोड़ा दिखला दिया, 3 MLA चेतन आनंद नीलम देवी और प्रहलाद यादव इनके आँख के सामने चले गए, गोपालगंज हारे, आगे हारते जाएंगे। आप बेवफाई कीजिएगा तो ऊपर वाले की लाठी तो बेजोर है ना, बिना आवाज़ के है ना, दिखा देता है जलवा। जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है, समझे। हम नहीं लालू जी के, हम घर पे चप्पल उतार के नहीं जाते, हम लालू जी का पैर नहीं छुए थे, शहनवाज भी पैर छुए थे ना, तस्लीमुद्दीन साहब की ये तरबियत है ना इस्लामिक तरबियत है, जूता खोल के भी गए और पैर भी छुए थे ना, इस्लामिक तरबियत है ना तस्लीम साहब की तरबियत है। तस्लीमुद्दीन साहब का असली वारिस है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, क्योंकि कभी इसने समझौता नहीं किया। लालू जी ने 2015 में ऑफर दिया, नीतीश जी ने जब लोकसभा में बैठ गए थे, क्योंकि 99 में तस्लीमुद्दीन साहब और मरहूम असरारुल कासमी साहब लड़े थे तो बीजेपी शहनवाज हुसैन जीत गए थे, उसके चलते अख्तर साहब 14 में कुर्बानी दी। उस वक्त भी मंत्रालय रखा हुआ था, सम्राट चौधरी हो, जावेद इकबाल अंसारी साहब हो और राम लखन नमन को मंत्री बनाए थे नीतीश जी ने। 15 में भी लालू जी ने फोन किया था, 19 में तेजस्वी ने फोन किया था कि लोकसभा लड़ना है तो किशनगंज से लड़ लीजिए, फिर 20 में जब इन लोग ने पाला बदला फिर भी नीतीश जी ने ऑफर दिया था, उसके बाद 2022 में नीतीश जी फिर पाला बदले तब भी नीतीश जी ने अख्तर साहब को ऑफर दिया था, फिर तेजस्वी ने भी ऑफर दिया था। तो जो आदमी 5 बार 6 बार मंत्रालय ठुकरा दे उसको क्या, और शहनवाज साहब आप मेरे दरवाजा पे थे। अख्तरुल ईमान का वो कद हो गया, टिकट बांटता है। आज अल्लाह का फजल है, कल तक पटना और दिल्ली में जो लोग सियासी लोग दरबारी करते थे, आज अल्लाह सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, कोचा धमन के बेटे को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि लोग उसके पास टिकट मांगने आते हैं। सिटिंग MP भी टिकट मांगने के लिए मांग रहा है और ex MLA ex मिनिस्टर सिटिंग MLA भी टिकट मांग रहा है। अल्लाह ने अख्तरुल ईमान साहब को वो कद दे दी है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब की सरपरस्ती, अल्लाह दुनिया जानती है कि अख्तरुल ईमान साहब का क्या कद है। आज पूरे बिहार के मुसलमानों की एक बेबाक आवाज़, एक हक की आवाज़, जो हर मिल्ली मसाइल पे जो सबसे पहले बोलता है, अब पूरे बिहार चाहे औरंगाबाद हो, छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, नवादा हो, जमुई हो, बांका हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, गया हो, शेरघाटी हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, सबसे पहले अगर कोई मुसलमान दलित मजलूम के साथ ज्यादती होती है तो पहला फ़ोन 94312 अख्तर साहब पे करता है। ये समझता है कि मेरा अपनी आवाज़ है, सबसे पहले अगर आता है तो MIM के दफ्तर, चाहे पटना हो चाहे किशनगंज आता है, या जिला के दफ्तर या ब्लॉक के दफ्तर में आता है, जानता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जानता है कि MIM का लोग डरता है तो अपने अल्लाह से डरता है, झुकता है तो अल्लाह के सामने झुकेगा। ना हम 10 जनपद के गुलाम हैं, ना अशोका रोड के गुलाम हैं, ना नागपुर के गुलाम हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और अल्लाह का बंदा है, झुकेंगे तो अल्लाह ही के सामने झुकेंगे। जीत रहे हैं फिर बिहार में, आवाम ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, कर्मे इलाही होगा, आवाम के बीच है, जो अल्लाह के अल्लाह का फैसला। अब कितनी आएगी तो ये तो भाजपा भी नहीं बता सकती है, कांग्रेस भी नहीं बता सकती कितनी आएगी, तो
भाई इस पर कुछ नहीं बोल सकते, अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दाएं बाजू बाएं बाजू अख्तरुल ईमान साहब जैसी शख्सियत, इम्तियाज जलील साहब जैसी शख्सियत इंशाल्लाह इस बार रहेगी।